गुड मॉर्निंग ऑल। आज का टॉपिक है डिजीज, तो हम डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं। आज कौन कौन सी डिजीज होती है, सबसे पहले बात करेंगे हम एंडेमिक डिजीजेस, मतलब कौन कौन सी बीमारियां एंडेमिक डिजीज के अंदर आती है। तो एंडेमिक का जो मतलब होता है उससे ये चीज क्लियर हो जाएगी। एंडेमिक का मतलब होता है नेटिव टू और कन्फाइंड टू। नेटिव मतलब देसी, जो चीज वहां से जन्मी है, और कन्फाइंड माने सीमित होना। तो एंडेमिक में वो बीमारी होती है जो एक जगह तक सीमित होती है। जैसे इट इज यूज टू डिस्क्राइब दैट इज रिप्रेजेंट परमानेंट इन अ स्पेसिफिक रीजन और अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ऐसी बीमारियां जो एक जगह पर परमानेंट हो और वहीं से उनका जन्म हुआ हो। इट इज यूज टू डिस्क्राइब दैट इज रिप्रेजेंट परमानेंट इन अ स्पेसिफिक रीजन, एक खास एरिया से या खास लोगों में कुछ चीज बीमारी पाई जाती है उसको बोलते हैं एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब है नेटिव टू अ कन्फाइनमेंट। अब एग्जांपल, मलेरिया इज एंडेमिक टू पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, मतलब मलेरिया अफ्रीका के देशों के कुछ भागों में पाया जाता है। तो ये मलेरिया क्या हो गया, वहां एंडेमिक हो गया, क्योंकि ये वही पाया जाता है वहां के लोगों में, वहां ज्यादातर ऐसे ही होता है लोगों में। ऐसे आइस इज एंडेमिक टू अंटार्कटिका। अब आप अंटार्कटिका के बारे में तो पता होगा, ऐसी ऐसे तो कह सकते हैं आइस इज एंडेमिक टू अंटार्कटिका। अब हम बात करेंगे एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या है, एपिडेमिक एक ऐसी डिजीज होती है इसके अंदर, इसके अंदर वो बीमारी आती है जो टेम्परेरी प्रेवलेंस ऑफ अ डिजीज, मतलब हमेशा नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। एक वायरस फैला वो बीमारी वहां से जनरेट हो गई। एन एपिडेमिक डिजीज इज वन अफेक्टिंग मेनी पर्सन एट द सेम टाइम एंड स्प्रेडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन अ लोकेलिटी वेयर द डिजीज नॉट परमानेंटली प्रेवलेंट। तो इसका मतलब ये होता है टेम्परेरी, मतलब अस्थायी। एक बीमारी जो फैल रही है और धीरे धीरे एक ही समय में फैल रही है लोगों से लोगों के बीच में, एक समुदाय में जहां बीमारी पहले नहीं थी, जैसे इबोला वायरस जो वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। तो ये वही लोगों में फैला, ज्यादातर नहीं फैल पाया। अब बात करेंगे हम पेंडेमिक की। पेंडेमिक को जानना और आसान है क्योंकि हमने एपिडेमिक को जान लिया और एंडेमिक को जान लिया है। पेंडेमिक क्या है, इट इज एन एपिडेमिक। आप समझना मेरी बात को, पेंडेमिक तरह से एपिडेमिक होता है, लेकिन चक्कर क्या है इसका, इट इज एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड्स ओवर मल्टीपल कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। मतलब पेंडेमिक ही एपिडेमिक होती है, पेंडेमिक एक एपिडेमिक होती है, जो एपिडेमिक बीमारी जैसे इबोला वायरस था, अगर वो पूरे विश्व में फैल जाता, कॉन्टिनेंट में फैल जाता, तो वही पेंडेमिक बन जाता, लेकिन वो इतना फैला नहीं। इट इज एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड्स ओवर मल्टीपल कंट्रीज, एक ऐसी बीमारी जो एक जगह स्टार्ट हुई और वहां से काफी देशों में, काफी महाद्वीपों में फैल गई। अब पेंडेमिक इज एन एपिडेमिक, देखो मैं बोल रहा था कि पेंडेमिक ही एपिडेमिक होती है, लेकिन बस एपिडेमिक ट्रेवल्स, मतलब एपिडेमिक भाई ट्रेवल कर जाती है। वेस्ट अफ्रीका में इबोला वायरस फैला, वो ट्रेवल नहीं कर पाया, वो पेंडेमिक बन जाता। पेंडेमिक को याद करने का तरीका एक और है, पासपोर्ट। पासपोर्ट कब जरूरत पड़ती है, जैसे आपको इंडिया के बाहर जाना है तो वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो एंडेमिक को पेंडेमिक बनने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इबोला वायरस को पासपोर्ट नहीं मिल पाया था, और अच्छा ही हुआ, नहीं मिलना चाहिए था। अब कोविड 19 ने आपने इसको बहुत अच्छी तरह सुना होगा, ठीक है। तो ये कोविड 19 तो सभी इससे सभी परेशान रहे, पूरी दुनिया परेशान है, इवन आज भी परेशान है। ईश्वर न करे ऐसा फिर कभी दोबारा हो, गॉड फॉरबिड। तो कोविड 19 क्या है, एक पेंडेमिक। क्यों, क्योंकि पहले एपिडेमिक थी, क्योंकि ये चाइना के वुहान से फैली, ये पासपोर्ट इसको जल्दी मिल गया, फैल गई पूरे विश्व में और सभी परेशान रहे। अब स्पोरैडिक डिजीज, स्पोरैडिक डिजीज क्या होती है, जो बीमारियां इनफ्रीक्वेंटली या इरेगुलर हो, कभी कभी देखी जाती हो। इट इज अ डिजीज दैट ऑकर्स इरेगुलरली, जैसे रेबीज, बहुत कम सुनता है, सुना होगा आपने किसी को कुत्ता काट गया रेबीज फैल गए। टैटनस, इसको टैटनस बोलते हैं, ठीक है। टैटनस कैसे होता है, जैसे लोही वगैरह जब उससे हो जाता है तो उसमें फिर उस इससे को काटना पड़ता है, तो ये बीमारी बहुत कम देखने को मिलती है, इसीलिए इसका नाम इरेगुलर, क्योंकि स्पोरैडिक का मतलब ही इरेगुलर होता है। An outbreak of disease. Outbreak का मतलब होता है प्रकोप। It is a specifically a sudden rise in cases. If it is not controlled, an outbreak can become an epidemic. मतलब outbreak होता है प्रकोप, जैसे COVID-19 का प्रकोप चला। इसका ये होता है कि अगर इसको एक साथ केसों में बढ़ोतरी होती है, जैसे वुहान चाइना में कोविड का केस मिला, तो अगर वो कंट्रोल उसी समय हो जाता तो हो सकता है ये बीमारी छोटी बन के रह जाती है, एपिडेमिक भी नहीं बनती। क्योंकि लिखा है देखो यहाँ पे, कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बीमारी क्या बन जाती है,
एपिडेमिक, और एपिडेमिक के बाद बनती है पेंडेमिक, कब, जब एपिडेमिक पास मतलब उसको पासपोर्ट मिल जाए या वो दूसरे देशों में दूसरे महाद्वीपों में फैल जाए। एक चीज हो लास्ट, एपिसेंटर या हॉटस्पॉट या फोकल पॉइंट, ये होते हैं, ये COVID-19 से बहुत ज्यादा संबंधित है। एपिसेंटर हॉटस्पॉट का या फोकल पॉइंट मतलब क्रियाकलाप का केंद्र बिंदु। अब आपको पता है कि COVID-19 का केंद्र बिंदु क्या था, वुहान इन चाइना, ये आपको पता है, वो पहले वहां फैली, अगर वही उसको रोक दिया जाता तो ये बीमारी एपिडेमिक भी नहीं बनती। जब एपिडेमिक ही नहीं बनती तो पेंडेमिक कैसे बन जाती, एपिडेमिक बनी क्योंकि चाइना में फैल गई, फिर वहां से धीरे धीरे उसको पासपोर्ट मिल गया, घूमने लग गई चारों तरफ। आज तो आपको पता ही है विश्व के हर कोने में ये बीमारी फैल चुकी है और कुछ जगह आज भी इसका प्रकोप चल रहा है। तो वुहान चाइना इज द एपिसेंटर ऑफ कोविड-19, हम कह सकते हैं वुहान चाइना इज द एपिसेंटर ऑफ कोविड-19। तो आज की ये क्लास थी, आई होप इसको आप आराम से देखें और समझें, एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरैडिक डिजीज एंड आउटब्रेक ऑफ डिजीज और एपिसेंटर, ये शब्द आपको आने भी चाहिए और एग्जाम में भी काफी आते हैं, एसएससी, एयरफोर्स, आरसीडीएस, इन एग्जाम में आपको ये वर्ड भी मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।